दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्विटर के पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि ट्विटर कंपनी को किस तरीके से स्टार्ट किया गया था, इसके जो ओरिजिनल फाउंडर हैं वो कौन थे और उनके दिमाग में इस तरीके का आइडिया कैसे आया और ट्विटर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बना, वो हमने अपने ट्विटर के पार्ट वन में डिस्कस किया था। ये है ट्विटर का पार्ट टू जहाँ पे एलन मस्क ने ट्विटर को बेसिकली कैसे खरीदा, उनके दिमाग में पहली बार ट्विटर को खरीदने का आइडिया कब आया था और फाइनली उन्होंने ट्विटर को कब खरीदा, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच में क्या क्या हुआ, एलन मस्क के ऊपर केस हुआ, एलन मस्क ने मना कर दिया कि भाई मैं ट्विटर नहीं खरीदूंगा, पहले बोले थे खरीदूंगा, इस तरीके से काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्विटर के खलनायक है कि नायक है एलन मस्क, वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली एलन मस्क ने ट्विटर को जब खरीद लिया उसके बाद क्या क्या हुआ, तो वो आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और यहाँ पे अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पार्ट वन को देख लेना। अब यहाँ पे कहानी काफी इंटरेस्टिंग है ट्विटर की, तो कहानी को करते हैं स्टार्ट, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों 21 जनवरी 2017 को एलन मस्क ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, आई लव ट्विटर, यानी कि ट्विटर भाई मुझे काफी पसंद है। फिर वहां पे अमेरिका के एक राइटर ने उनके ट्वीट के नीचे कमेंट किया कि भाई फिर आप इसे खरीद क्यों नहीं लेते, तो एलन मस्क ने उसका रिप्लाई देते हुए बोला कि भाई है कितने का। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एलन मस्क के दिमाग में 21 दिसंबर 2017 को पहली बार ख्याल आया था कि यार ट्विटर कितने का है। उसके बाद यहां पे फाइनली 5 साल के बाद में 31 जनवरी 2022 को एलन मस्क ने ट्विटर का कुछ हिस्सा खरीदा और यहां पे इस तरीके से ट्विटर के शेयर्स को एक महीने तक खरीदते गए। और यहां पे 4 अप्रैल 2022 को एक न्यूज आता है कि भाई साहब एलन मस्क ने ट्विटर का 9.2% जो स्टेक है वो खरीद लिया है, जिसके वजह से जैसे ये न्यूज मार्केट में आता है ट्विटर का जो स्टॉक प्राइस है वो 30% से ऊपर भागता है, यानी कि अगर 100 रुपये का माल है तो वो 130 रुपये का हो जाता है। और इस तरीके से सबसे पहला न्यूज आता है, आपको मैं न्यूज का कटिंग भी दिखा देता हूं। और अगले ही दिन 5 अप्रैल 2022 को जो ट्विटर का बोर्ड है वो एलन मस्क को ऑफर देते हैं कि भाई आप ट्विटर का बोर्ड क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, और एलन मस्क भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि अब ट्विटर का जो बोर्ड है वो और एलन मस्क मिलकर ट्विटर को और भी अच्छे लेवल पर लेके जाने वाले हैं। लेकिन यहां पे 2-3 दिन के बाद ही 9 अप्रैल 2022 को एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं कि क्या ट्विटर मर रहा है, यानी कि इज ट्विटर डाइंग। और वहां पे बेसिकली वो एक स्टेटमेंट दिखाते हैं जहां पे बोलते हैं कि भाई ट्विटर पे इन लोगों को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है लेकिन इन लोग कभी कभार ही ट्वीट करते हैं और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी ट्वीट ही नहीं करते हैं, तो क्या ट्विटर मर रहा है। तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट देते हैं जिसके ऊपर उस टाइम के जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, वो एलन मस्क को पर्सनली एक मैसेज भेजते हैं कि क्या एलन मस्क आप ट्विटर पे कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है, लेकिन इस तरीके का ट्वीट करके आप बेसिकली ट्विटर को आगे बढ़ाने में हमारी मदद नहीं कर रहे, उल्टा आप ट्विटर का इमेजेस खराब करने में ही मतलब हेल्प कर रहे हैं। इस पर जो एलन मस्क है वो पराग अग्रवाल को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पराग अग्रवाल मैं ट्विटर का बोर्ड ज्वाइंट नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि भाई तुम्हारे साथ रह के हमारा टाइम मतलब खराब होगा, इसके लिए मैं ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। और पराग अग्रवाल को एलन मस्क कहते हैं कि मैं ट्विटर को प्राइवेटली खरीदने के लिए ऑफर दूंगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई एलन मस्क ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर एलन मस्क ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन कर लेते तो उनको हमेशा ट्विटर के बारे में अच्छा ट्वीट करने के लिए कहा जाता। दूसरी बात यह बताई जा रही है कि भाई अगर एलन मस्क ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन कर लेते तो यहां पे उनके जो शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर कैपिंग कर दिया जाता कि आप 49% से ज्यादा का स्टेक नहीं खरीद सकते थे। तो इस तरीके से अगर वो बोर्ड ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका जो भी मन चाहे वो ट्वीट कर सकते हैं और वो जितना भी चाहे उतना स्टेक परचेस कर सकते हैं। उसके 2-3 दिन के बाद ही 13 अप्रैल 2022 को जो ट्विटर के इन्वेस्टर्स है वो एलन मस्क के ऊपर केस कर देते हैं और केस में क्या बोलते हैं कि एलन मस्क ने ट्विटर का 9.2% का शेयर्स खरीदा लेकिन उसका जो जानकारी है वो एलन मस्क ने बहुत देर के बाद दिया। जनरली अगर आप किसी कंपनी का 5% से ज्यादा का स्टेक खरीदते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर में ही इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन यहाँ पे एलन मस्क ने 9.2% का स्टेक खरीद लिया और यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन था ही नहीं जबकि वो जनवरी 2022 से स्टेक खरीदते आ रहे थे। तो इसके ऊपर लोगों का कहना यह था कि अगर लोगों को एलन मस्क जो शेयर खरीदे उसके बारे में पहले से जानकारी होता तो लोग अपने स्टॉक को नहीं बेचते
और इस तरीके से एलन मस्क ने जैसे ही बताया कि भाई हमने 9.2% खरीद लिया है तो जो स्टॉक का प्राइस है वो भी ऊपर हो गया था। तो इसके वजह से लोगों ने केस किया कि भाई एलन मस्क ने चीज़ों को बहुत लेट बताया, अगर पहले ही बताते तो हम अपने शेयर्स को बेचते ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे 14 अप्रैल 2022 को एलन मस्क जो ट्विटर के बोर्ड है उनको ऑफर देते हैं कि भाई मैं ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदना चाहता हूँ और ट्विटर को अभी प्राइवेट कंपनी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो शुरुआत में जो बोर्ड है वो इस बात को नहीं मानते हैं और यहाँ पे 16 अप्रैल 2022 को जो बोर्ड है वो पॉइजन पिल पास करने की कोशिश करता है, यानी कि जहर की गोली, यानी कि आप इस कंपनी को नहीं निकल सकते, पॉइजन पिल। इस तरीके से बेसिकली जो ट्विटर के बोर्ड है वो एक चाल चलते हैं। उसमें बेसिकली पॉइजन पिल का मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर किसी कंपनी का दाम है 100 करोड़ रुपया और अगर वो पॉइजन पिल पास करते हैं तो आपको उस कंपनी को ज्यादा दाम पे खरीदना पड़ेगा। तो जो एलन मस्क थे उन्होंने ट्विटर का $44 बिलियन का बोली लगाया था और बोले थे कि मैं एक शेयर के बदले में $54.20 दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने $44 बिलियन का ऑफर दिया था और यहाँ पे पॉइजन पिल की वजह से हो सकता है उनको $80 बिलियन में या तो उससे ऊपर के अमाउंट में ट्विटर को खरीदना पड़े। इस तरीके से ट्विटर के बोर्ड ने सबसे पहला 16 अप्रैल 2022 को दाव चला, लेकिन फाइनली 25 अप्रैल 2022 को एक न्यूज़ आता है कि जो एलन मस्क का ऑफर है उसको ट्विटर के बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि $44 बिलियन में वो ट्विटर को एलन मस्क को बेचने वाले हैं और एक शेयर के बदले में एलन मस्क $54.20 देने वाले हैं। इस तरीके से मार्केट में न्यूज आता है और साथ में ही ट्विटर के बोर्ड ने एक और कंडीशन रखा था कि एलन मस्क अगर इस डील से पीछे हटते हैं तो उनको $1 बिलियन का टर्मिनेशन फीस भी पे करना पड़ेगा। अब यहां पे आगे क्वेश्चन आता है कि क्या एलन मस्क ट्विटर को खरीदेंगे। उसके बाद 13 मई 2022 को एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्होंने $44 बिलियन में जो ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर दिया था फिलहाल वो ऑफर को होल्ड पे डाल रहे हैं। क्यों होल्ड पे डाल रहे हैं? इसके पीछे उन्होंने रीजंस ये बताया था कि ट्विटर के ऊपर जो फेक अकाउंट, जो बोट अकाउंट है वो ट्विटर के हिसाब से 5% से भी कम है, लेकिन एलन मस्क को ऐसा लगता है यानी कि ट्विटर पे कुछ फेक अकाउंट है, कुछ बोट अकाउंट है जिसको कोई रियल पर्सन यूज नहीं करता है। तो वैसा जो संख्या है वो ट्विटर तो कहता है कि वो 5% से कम है, लेकिन एलन मस्क के हिसाब से जो ट्विटर पे फेक अकाउंट, बोट अकाउंट का जो संख्या है वो 5% से ज्यादा है और ट्विटर इस बात का जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो एलन मस्क को नहीं दे रहे। इसके वजह से एलन मस्क जो ट्विटर का $44 बिलियन का डील है उसको होल्ड पे डाल रहे। अब यहां पे कुछ दिन के बाद में 26 मई 2022 को जो ट्विटर के शेयर होल्डर थे वो एलन मस्क के ऊपर केस कर देते हैं और केस में ये बताते हैं कि जो एलन मस्क है वो ट्विटर के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, यानी कि एलन मस्क ट्विटर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की कोशिश करें जिसके वजह से जो ट्विटर का शेयर प्राइस है वो नीचे जा रहा है। अगर आप किसी कंपनी के बारे में इतना बड़ा आदमी कुछ भी कहेगा तो डेफिनेटली उस कंपनी के वैल्यू में इम्पैक्ट होगा और उसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके का ट्विटर के जो भी लोग हैं, शेयर होल्डर हैं, वो एलन मस्क के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई एलन मस्क ट्विटर को बदनाम करने की कोशिश करें, उसके शेयर प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करें ताकि एलन मस्क वापस से फिर से ट्विटर का एक नया बोली लगा सके। इस तरीके का एलन मस्क के ऊपर केस किया जाता है। अब यहां पे 8 जुलाई 2022 को एक न्यूज आता है कि एलन मस्क ने ट्विटर के डील को टर्मिनेट कर दिया है और यहां पे 9 जुलाई 2022 को जो ट्विटर के चेयरमैन है वो एक ट्वीट करते हैं कि भाई इस डील को तो पूरा करना होगा, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे बात किया गया उस टर्म्स एंड कंडीशन पे ही पूरा करना होगा और अगर एलन मस्क ने इस डील को पूरा नहीं किया तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में लीगल एक्शन लेंगे। उसके बाद 9 जुलाई 2022 को ही एलन मस्क ने एक फोटो शेयर किया जहां पे बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो एलन मस्क है वो ट्विटर के बोर्ड का मजाक बनाने की कोशिश करें, जहां पे एलन मस्क का आपको 4 अलग अलग तरीके का हंसता हुआ फोटो मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले फोटो में एलन मस्क का कहना यह है कि जो ट्विटर वाले लोग हैं उनका सबसे पहले कहना यह था कि भाई एलन मस्क तुम ट्विटर को नहीं खरीद सकते। दूसरे फोटो में एलन मस्क का कहना यह है कि जब मैंने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बाद में मैंने कहा कि भाई ट्विटर वाले मुझे बोट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दो तो भाई ट्विटर वाले ने वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। अब थर्ड फोटो में एलन मस्क का कहना यह है कि अब ट्विटर वाले मुझे धमका रहे कि अगर एलन मस्क तुमने ट्विटर नहीं खरीदा तो हम तुम्हारे खिलाफ
कोर्ट में मुकदमा दायर करवाएंगे। और यहां पे फोर्थ फोटो में एलन मस्क का कहना यह है कि भाई अगर आप मेरे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करोगे तब तो आपको डेफिनेटली जो बोट अकाउंट का इंफॉर्मेशन है वो देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से फोटो शेयर करके एलन मस्क ने जो ट्विटर के बोट है जो भी लोग हैं उनका मजाक बनाने का कोशिश किया था। उसके बाद यहां पे 13 जुलाई 2022 को एक न्यूज आता है कि फाइनली जो ट्विटर है उन्होंने एलन मस्क के ऊपर फाइनली केस फाइल कर दिया है और इसका जो इंफॉर्मेशन है वो जो ट्विटर के चेयरमैन है वो भी ट्वीट करके लोगों को बताते हैं। और यहां पे ट्विटर के बोर्ड का कहना ये था कि सबसे पहली बात कि भाई एलन मस्क ने ट्विटर का 9.2% का जो स्टेक है वो परचेस किया और लोगों को बाद में बताया गया। उसके बाद यहां पे एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया और यहां पे ट्विटर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया। और यहां पे एलन मस्क बाद में इस ऑफर को टर्मिनेट करते हैं और यहां पे ट्विटर के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा इंजाम लगाते हैं जिसके वजह से जो ट्विटर का शेयर प्राइस है वो नीचे गिरता है। और यहां पे ट्विटर का कहना ये था कि इनके ओवरऑल बिजनेस में जो भी एलन मस्क कहते हैं ट्विटर के बारे में उसका इंपैक्ट ट्विटर के बिजनेस में पड़ रहा है। तो यहां पे ट्विटर के बोर्ड का कोर्ट को कहना ये था कि इस डील को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। और वहीं पे एलन मस्क का कहना ये था कि जो भी ट्विटर के बोर्ड के लोग हैं वो मुझे फेक अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन है पूरे अच्छे तरीके से शेयर नहीं करें जो कि बिजनेस पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जो ट्विटर के बोर्ड है उनका कहना यह था कि जो भी इंफॉर्मेशन फेक अकाउंट और बोट अकाउंट के बारे में एलन मस्क को दिया गया है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही था। अब यहां पे कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। तो यहां पे कोर्ट ने फाइनली कहा कि 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपके जो केस है उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन यहां पे कोर्ट का ट्रायल शुरू होने से पहले ही 4 अक्टूबर 2022 को जो एलन मस्क है वो फिर से ट्विटर के बोर्ड को ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर भेजते हैं। बेसिकली एलन मस्क 4 अक्टूबर 2022 को जो भी ट्विटर के बोर्ड है उनको एक पत्र भेजते हैं लेटर भेजते हैं कि भाई मैं एलन मस्क जो भी मैंने आपको पहले $44 बिलियन का ऑफर दिया था ये ऑफर अभी भी ओपन है आप चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि आपने मेरे ऊपर जो भी केस वगैरह फाइल किया कोर्ट के अंदर उस केस को आपको हटाना पड़ेगा। और यहां पे जो ट्विटर है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहां पे केस वगैरह हटा दिया जाता है। उसके बाद यहां पे जो एलन मस्क के वकील है वो कोर्ट से कहते हैं कि भाई एलन मस्क ने फाइनली ऑफर दे दिया है और सामने वाले ने भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब यहां पे एलन मस्क को पैसा अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो कोर्ट से जो उनके वकील है वो टाइम मांगते हैं। तो यहां पे फाइनली 6 अक्टूबर 2022 को जो भी कोर्ट है वो एलन मस्क से कहते हैं कि भाई आपके पास में 28 अक्टूबर 2022 के शाम के 5 बजे तक का समय है जो भी $44 बिलियन का डील है आपने इसको क्लोज करना है। उसके बाद यहां पे 27 अक्टूबर 2022 को ही एलन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर में नजर आते हैं जहां पे वो एक सिंक उठाते हुए नजर आते हैं। और यहां पे फाइनली एक न्यूज भी आ जाता है कि 27 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क ने $44 बिलियन का जो डील है उसको पूरा कर दिया है। और यहां पे 28 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क बेसिकली एक ट्वीट करते हैं कि भाई अब चिड़िया आजाद हो चुकी है। उसके बाद यहां पे जो भी टॉप लेवल के लोग हैं उनको एलन मस्क काम पे से निकाल देते हैं यानी कि ट्विटर से उनको निकाल देते हैं। उसके आगे का जो स्टोरी है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से 14 अप्रैल 2022 से ये जो डील शुरू हुआ था और यहाँ पे फाइनली 27 अक्टूबर 2022 का जो डील है वो खत्म हुआ। तो इस तरीके से ट्विटर का कहानी था कि कभी एलन मस्क के दिमाग में आइडिया आया और किस तरीके से पूरा डील को पूरा किया गया। उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एलन मस्क ने कोर्ट का ट्रायल शुरू होने से पहले ही 4 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को फिर से खरीदने के लिए ऑफर क्यों दिया। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना यह है कि एलन मस्क को लगा था कि अगर कोर्ट में मैटर जाएगा तो शायद वो केस हार सकते हैं इसके वजह से उन्होंने पहले ही फिर से ऑफर दे दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में ट्विटर के पार्ट 3 का जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली एलन मस्क ने ट्विटर को तो खरीद लिया उसके बाद यहां पे उन्होंने कितने लोगों को काम पे से निकाला जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो भी एम्प्लॉय है उसके बाद यहां पे उन्होंने क्या क्या बदलाव किया $8 का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल था उसका क्या है सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक की स्टोरी यही थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।